नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव अभी तक नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें शायद कुछ चेंजेस की जाएंगी। इस संबंध में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा अपने लेटर नंबर AIBEA/GS/2024/80 डेटेड 16 मई 2024 के द्वारा श्री ब्रजेश्वर शर्मा सीनियर एडवाइजर HR एंड IR इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई को एड्रेस किया गया है। इस लेटर के कंटेंट से आपको सही स्थिति का पता लग जाएगा। इसके कंटेंट्स हैं, डियर सर, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव PLI फॉर ईयर 2023-24। यू आर अवेयर दैट इन द 11th BP सेटलमेंट अ न्यू स्कीम परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बैंक्स द क्वांटम ऑफ इंसेंटिव वॉज एग्रीड अपॉन फ्रॉम द ईयर 2020-21। हाउएवर इट वॉज ऑब्जर्व इन लास्ट टू ईयर्स दैट इवन दो द बैंक हैड परफॉर्म्ड better in other parameters, the PLI was paid as per the settlement based on increase in operating profit alone. Because of this, the banks which had otherwise performed far better would not pay the higher quantum of incentive. Hence, in the common charter of demand submitted by the unions, including the Ore Officers Association, demanded as under parameter under the PLI scheme to be suitably modified. During the recent 12th BPS negotiation, we could not fully discuss this demand, and hence in the minutes of the residual issues signed with IBA on 8th March 2024, this issue was included and mentioned and agreed to discuss the same further. In the discussion with IBA in the meeting held on 18th April 2024, union had taken up this issue and IBA informed us that the issue needs further discussion. In the meantime, the balance sheet of all public sector banks for the financial year 2023-24 have been finalized and published. It is observed that all banks have performed exceedingly well compared to the last one year in various parameters. But if we take only the percentage increase in operating profit, the maximum quantum of PLI cannot be extended by the bank. जैसे कि इस पैराग्राफ के कंटेंट से पता लगता है कि यदि केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही पैरामीटर को ध्यान में रखा जाए तो जो इंसेंटिव का क्वांटम है वो प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि बैंक अब कई पैरामीटर्स में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और जिसके अनुसार PLI का क्वांटम ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट पैरा में लिखा है, इट वॉज ओनली फॉर दिस रीजन दैट द unions wanted to discuss some modifications in the parameters for extending PLI to employees. We are thankful to the IBA. It has been agreed to discuss the issue in further meetings. We also suggested that the PLI for the financial year 2023-24 may also be paid after finalizing the modified parameters. In the background, in view of the pendency of discussion, we note that the banks have not yet extended PLI for the financial year 2023-24. We ask that the discussion on the issue be taken to up on priority basis to so that based on which PLI for the year 2023-24 can be extended by the bank accordingly. Thanking you, yours faithfully, CH Venkatachalam, General Secretary. ये letter AIBA की तरफ से लिखा गया है, हालांकि
इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन है वो यूएफबीयू के कन्वेनर के द्वारा होने चाहिए जो कि श्री संजीव के बनलिस हैं, लेकिन प्राय ये देखा गया है कि AIBA के जनरल सेक्रेटरी श्री CS वेंकटेश्वरम अक्सर यूएफबीयू के व्याप पर इस प्रकार के लेटर्स लिखते रहते हैं और उम्मीद की जाती है कि PLI के बारे में डिस्कशन अभी जल्दी होगा और उसके पैरामीटर चेंज किए जाएंगे और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो PLI दिया जाएगा वो नए पैरामीटर के बेसिस पे होगा। हालांकि जब टर्थ बायोपटेक में PLI के पैरामीटर्स चेंज करने की बात आती है तो इसको टर्थ बायोपटेक के लागू होने के समय से ही लागू किया जाना चाहिए जो कि नवम्बर 2022 है। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का PLI भी टर्थ बायोपटेक के पैरामीटर्स के बेसिस पे ही दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस फाइनेंशियल ईयर का भी यदि PLI नए पैरामीटर के बेसिस पे दिया जाता है तो वो भी गनीमत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल रिटेल से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक बैंक से संबंधित, बैंक अपेटाइट सेटलमेंट से संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।